विनाशिनी, वाह गया मार पे आपकी शक्ति को। तौबा तौबा, बस फिर से एक बार तुम्हें बच्चा बनकर किसी तरह बालवीर को 11 पलों के लिए उलझाना है, फिर बालवीर का अंश मैं इस कठपुतली में डालकर उसे अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। नहीं नहीं बनूंगा मैं बच्चा, वो करना चाहे कर लो आप। करूंगा मैं वही, कहेंगे जो आप करूंगा, करूंगा जो जो आप कहेगी। हे पटेल साहब, मेहता साहब, आप लोग भी आए। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या बात है? नहीं, बड़ी बात हो गई और ये मुस्कुरा रहा है, शायद अपना दुख छुपा रहे होंगे। क्या आप लोग गणपति का चंदा मांगने तो नहीं आए? महेश बेटा, कैसी बातें करते हो? हाँ, हम दिल के इतने छोटे नहीं जो ऐसे मौके पे चंदा मांगे। हम तो बस हाँ। एक काम कीजिए, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते। आइए 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 आइए, सब लोग आइए। स्मिता माँ, देखो हमारे घर कौन है। ये मेहता साहब, पटेल साहब और बाकी सारे पड़ोसी आए हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते, बैठ बैठ। पूरी की पूरी फैमिली अपना दुख छुपा रही है। कहिए कैसे आना हुआ? महेश बेटा, ऐसे ऐसे समय में जो तुमने धीरज बांध रखा है, मेरी तो आंखों से आंसू। वैसे ये सब कब हुआ? मतलब क्या क्या कैसे हुआ? बेटा, रॉकी ने डगली साहब के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हाँ वैसे अफसोस वाली बात तो है, देखिए ना, कल हमारे बापूजी ऐसे ऊपर चले गए, अब क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ये कैसे हुआ? आप ही की बेटी की शादी में परसों खाना खाया, कल सुबह उन्हें ऐसे सब बहुत होने लगा और फिर अचानक ऊपर। मुझे माफ करना महेश बेटा, पर खाना तो मैंने 5-स्टार होटल से मंगवाया था, फिर भी। अरे वही तो, उनको खाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि 2-3 दिन का खाना एक साथ खा लिया और बस। तब तो ठीक है। अरे क्या ठीक है? हैं? एक आदमी आपकी बेटी की शादी में खाना खा के ऊपर चला गया और आप कह रहे हैं ठीक है? शर्म आनी चाहिए आपको। और क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। इसमें मेरी क्या गलती? अरे? मैंने तो अच्छा खाना मंगवाया था। पटेल मेहता साहब, ये झगड़ा मत कीजिए, ऐसा आपके झगड़ने से हमारे बापूजी ऊपर से नीचे थोड़ी आ जाएंगे। वो तो है, हो गया काम समाप्त। और वैसे भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें नीचे लाने की, लेकिन हाँ, पर अब इतनी गहरी नींद में सोए हैं तो उन्हें जगाना भी ठीक नहीं है ना। वाह, आनंद आ गया। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ का? हो गया काम समाप्त। वो भूत नहीं, हमारे बापूजी हैं, जीते जागते हैं, अभी सो रहे हैं। क्या? तो फिर वो हवा में भूत की तरह उड़ कैसे रहे हैं? ये सही कारण तो हमें भी नहीं पता, वो गैस की वजह से शायद उड़ रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगा? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे सोच लिया आपने? अरे देखिए, निकलिए आप, निकलिए, आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे आप, निकलिए। कुछ भी बोल गए ऐसे लोग, ऐसे थोड़ा कमाल, ऐसे कोई कोई भी आ जाता है। बापूजी नीचे, थोड़ा ऊपर।
मंटू मंटू बॉस आपकी घड़ी तो मस्त है और आपके शूज भी जबरदस्त है, दोनों मस्त है, कहाँ से लिए? ये दादी अब मेरे दोनों तो मेरे पापा ने पतली मिल गई युवती लाए तुम्हारी तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, चलो भागो रहते चलो दूंगा ये सब है ना ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। सॉरी बॉस अब टिफिन चेंज हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन बॉस इसका असर ना जल्दी खत्म हो जाएगा सच में। मोहित अगर इसका असर जल्दी खत्म नहीं हुआ ना तो तू हमारी टीम से खत्म हो जाएगा। वैसे भी पहले से तेरे वजह से मोंटू बॉस की बहुत बैंड बच चुकी है, समझा? मोंटू बॉस मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेकर ही जाऊंगा उन पिज्जियों से। ये देखो बॉस खुजली वाला पाउडर, अब उन लोगों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। हाले तू ये तब तीदे लाता था दे। अरे बॉस अब आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? तो ही इतने आम के टक्कर में हमारा काम तमाम होता है, फिर नजर रखनी पड़ेगी। तूने कहावत सुनिए, तैसी करनी वैसी बननी, पता वो है वरना मुझे पड़ता है। क्या तुम बलबल बोला, मतलब बराबर बोला बस। बालवीर उस मोंटू का भरोसा जीतने के चक्कर में वो मोहित हमारे खिलाफ अलग अलग प्लान्स बना रहा है। वैसे तो हमने उसके प्लान उसी पे पलट दिए। हाँ लेकिन मोहित को बुराई से दूर रखना बहुत जरूरी है, वही सबके लिए अच्छा होगा। और अगर मोहित ने बुराई का साथ नहीं छोड़ा तो मुझे उसे सबक सिखाना होगा। लगता है इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तौबा तौबा, जैसे तुम्हें समझाया है वैसे ही करना। जी महाविनाश। तौबा तौबा, तुम्हें 11 पलों के लिए बालवीर को रोक के रखना है, कोई बेवकूफी मत करना। जी महाविनाश। पेड़ पर कैसे अटक गए? बालवीर तो है पूछना सवाल, तू देता इसे जवाब होशियारी से, कहीं ये मुझे पहचान ना जाए। बताओ तुम पेड़ पर क्यों अटक गए? मैं अमृत के लालच में पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन ये तो अमृत का पेड़ नहीं है। गया मर साथ। तौबा तौबा, बस कुछ और पल है, उलझाए रखो बालवीर को।
मुझसे, मुझे लगा होंगे इस पेड़ पे हम लोग, मुझे नीचे उतारो। ठीक है चलो मैं तुम्हें नीचे उतार ही देता। तोबा तोबा बस तीन और पल, जाने मत देना। अब तुम ठीक हो ना? मालिक! ये तो मानव भैर की आवाज है, वो मुझे पुकार रहे, मुझे जाना होगा। मालिक, शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया, बड़ा मजा आया। अब देखो, अब और भी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं और इसलिए मुझे जाना होगा, ठीक है? मालिक, सुनो तो। बच कैसे गया बालती? कैसे बच गया? एक और मौका चाहिए। ऐसे नहीं जा सकता बालती। एक और मौका तो बताओ। एक और मौका। हो गया, टाइट टाइट हो गया। एक काम करो, पकड़ो इसे। खींचो खींचो। लगा के। खींचो जल्दी। महेश, जोर से नीचे बुल 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 नहीं माँ, बुल। अब वही सेम तू से बुल। चल लगा के। आयशा लगभग नीचे। आयशा पूरे नीचे। आयशा महेश, बापूजी को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर से ऊपर चले जाएंगे, इसलिए इन्हें यहीं रखने के लिए कुछ वजन रखना पड़ेगा। स्मिता मां रॉकी, कुछ वजनदार चीजें लेके आओ। सर खुलेगा। नीचे 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 रख। मैं छोड़ के देखता हूँ। नहीं नहीं, कुछ और चाहिए, और कुछ मदद। ये रहा मिठाई का डब्बा। हो गया काम समाप्त। अब छोड़ता हूँ बाबू जी, छोड़ छोड़ के देखते हैं। नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ रहा। हो गया भाई। बहू, ये तुमने क्या किया? क्या किया बाबू जी? मिठाई मेरे सामने रख दी। खबरदार, खबरदार, जो आपने इस डब्बे में से एक भी टुकड़ा खाया तो इस मिठाई का वजन अगर कम हो गया ना तो आप फिर से ऊपर चले जाओगे। हाँ। और अब आपको ऊपर से नीचे कोई नहीं उतारेगा। हाँ। समझे? समझ गया। मिठाई खाऊंगा। हाँ? नहीं। हाँ। हाँ। अब बालवीर मेरे हाथों की कठपुतली बन ही जाएगा। ग्यारह पल चाहिए मुझे तो बताओ। Yes! तुम तीनों को इसकी सजा तो मिलेगी। बालवीर जी, आपको सजा दे दीजिए ना, तो हमें नहीं, इस मोहित के बच्चे को दीजिए। मोहित के बॉस, आपकी आवाज ठीक हो गई? अरे हाँ रे। बालवीर जी, तो इसी बात पे हमें छोड़ दीजिए और इस मोहित के साथ आपको जो करना है करिए। नहीं, सजा तो तुम दोनों को ही मिलेगी, क्योंकि मोहित ने जो ये शरारत की है वो तुम दोनों के कहने पे की है। हाँ बालवीर जी, आपने बिल्कुल
सही कहा। अरे क्या क्या सही कहा? हाँ। पालवी जी ये ना शैतानी का हेडमास्टर है। हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीब अजीब गैजेट आता है और वो गैजेट सिर्फ मेरी बैन बजाती है। हाँ। देखिए पालवी जी मेरी ऑलरेडी बहुत बैन बज चुकी है, अब आप मेरी और बैन ना बजाए प्लीज। मैं सॉरी बोल रहा हूँ पालवी जी, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। बालवीर जी इन दोनों की तरफ से मैं भी सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बालवीर जी। सॉरी। ठीक है मैं तुम तीनों को छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी चेतावनी। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। ग्यारह पल हो गए पर बालवीर का अंश मेरी कठपुतली में नहीं आया। हो गई आपकी योजना असफल, चला गया बालवीर। मार रही थी आप तो बड़ी डिंगे कि बनाऊंगी बालवीर को कठपुतली, नचाऊंगी उसे अपने इशारों पर, लेकिन हो गया आपका टाई टाई फिस। मतलब है नहीं बालवीर कोई साधारण बच्चा, है वो सच्चाई और अच्छाई का रक्षक, जो देख रही आप उसे अपने वश में करने का सपना। अगर है करना उसे अपने वश में तो करना होगा आपको कुछ बड़ा। सही कहा तुमने बाबा, बालवीर असाधारण है, उसे अपने वश में करने के लिए 11 नहीं मुझे 22 पलों की आवश्यकता है, है? और उस 22 पलों के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। करो करो। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। अहमदाबाद गुजरात के केवल सेठ, किशनगंज बिहार के ऋषभ बंसल, फरीदाबाद हरियाणा के दृष्टि टंडन, राजस्थान के अंकित जांगी, जामनगर गुजरात के चेतन पत्थर, गुड़गांव हरियाणा के तनिषी थापलिया, अमरोहा उत्तर प्रदेश के फिरोज खान और अलवर राजस्थान के प्रदीप पंचाल ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करते हैं और हमेशा उनके घर के कामों में भी उनका साथ बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहे। दोस्तों समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है जम्मू की वंशिका नंदा ने। दोस्तों वंशिका ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा उगाती है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती है और साथ ही साथ प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैली उपयोग करती है, इस तरह वो पर्यावरण की सुरक्षा करती है। बहुत अच्छे वंशिका, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.